हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल सी नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ टेबल। जैसा आप टेबल देख रहे हो अभी फिगर में, वैसा सेम टेबल वी आर गोइंग टू क्रिएट। सो इधर आप देखोगे कितनी रो हैं, इधर टोटल 3 रोज आर देयर। ए बी एंड सी आर माय डेटा एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो। डी हैज कवर्ड 2 रोज, आप देख सकते हो। तो इधर हमें कौन सा प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा वो हम देखेंगे। और अब जो जी देख रहे हो, जी डेटा एलिमेंट ने 2 कॉलम कवर किए हैं, तो इधर कौन सा प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा ये भी हम देखेंगे। एंड वी विल सी सम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आल्सो। सो टेबल इधर मैं ले रही हूँ 45% ऑफ द विंडो, ओके, दैट विल बी कवर्ड बाय माय टेबल। सो टेबल का बॉर्डर ले लिया, विड्थ ले लिया। नाउ कैसे स्टार्ट होगा, रो से स्टार्ट होगा, रो ले लिया, ठीक है। रो के अंदर डेटा एलिमेंट्स मैंने कितने डाले हैं, इधर आपने देखा कोई हेडिंग नहीं है, डायरेक्ट डेटा एलिमेंट्स, ठीक है। ए बी एंड सी, टी डी बी एंड सी। Three elements I have been created, okay? A, B and C by using this TR. अभी इधर मुझे TR close करना पड़ेगा। So एक पूरी row create हो गई इधर, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगी, next row आपने देखा इधर TR के through next row create होगी, ठीक है। लेकिन आपने इधर ये देखा कि D ने क्या किया है, 2 नीचे की row को भी cover किया है, तो इधर क्या आएगा, हमारा प्रॉपर्टी क्या आएगा, रो स्पैन, ठीक है। रो स्पैन ले लिया मैंने और 2 रोज कवर की हैं, सो रो स्पैन इज इक्वल टू 2 ले लिया और एलिमेंट इज डी, एलिमेंट डी ले लिया। अभी मैं इसको क्लोज करूंगी डी डी को, ठीक है। ये हो गया मेरा सेकंड रो स्टार्ट हुआ और उसने 2 रो कवर किए थे वो भी ले लिया। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा हमारा, ई, ओके। सो ई किससे आएगा, अगेन टी डी से, ई इज कैपिटल, ओके। जो भी आपका डेटा एलिमेंट है आप उसको ले सकते हैं। और फिर मैं इधर क्लोज करूंगी टी डी, ओके। देन नेक्स्ट एलिमेंट इज एफ, ओके। सो नेक्स्ट एलिमेंट टी डी एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज एफ, I'll close it by TD. Okay, then I'll close TR. Okay, so this row has been created for me. And now again, my next element is G. लेकिन G में हमने क्या देखा कि G ने 2 columns cover किए हैं, तो हम क्या property लगाएंगे उधर, call span. कॉल स्पैन हमने इसके पहले वाले एग्जांपल में भी देखा था, अभी रो स्पैन भी देख लिया। दिस टू आर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द टेबल, क्योंकि कभी कभी हमें इरेगुलर टेबल भी क्रिएट करना होता है, ठीक है, जिसमें रो एंड कॉलम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो इस टाइप के टेबल आप कॉल स्पैन एंड रो स्पैन प्रॉपर्टी लगा के क्रिएट कर सकते हैं। सो द डेटा एलिमेंट इज जी, वो कर दिया मैंने, आई विल क्लोज इट, ठीक है। और इधर मेरा क्लोज हो जाएगा TR, सो ये हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी। इसको सेव किया मैंने, .htm से सेव कर रही हूं अभी मैं, ओके, एंड आई रन इट। सो यू कैन सी द सेम टेबल, ओके। अभी अगर मुझे इधर ए बी सी सबको अलाइनमेंट देना है, तो मैं क्या लिखूंगी, अलाइन सेंटर, ऐसा मैं दे सकती हूँ सारी इधर टी डी के अंदर, ठीक है, अलाइन यू कैन सी द इफेक्ट, ओके, ई हैज बीन अलाइन सेंटर्ड। तो ऐसा सब आप क्रिएट कर सकते हो, सबका प्रॉपर्टी दे सकते हो। अगर मुझे इधर मेरी टेबल को कुछ कलर देना है,
ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, बीजी कलर सेट कर सकती हूँ। बीजी कलर स्टैंड फॉर बैकग्राउंड कलर। कलर देने के लिए बहुत सारे वेज हैं, इधर मैं डायरेक्टली कलर का नेम लिख रही हूँ, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, यू कैन सी द कलर ऑफ द टेबल। ओके, सो ऐसा करके मैं एक सिंगल सिंगल एलिमेंट्स को भी कुछ प्रॉपर्टी दे सकती हूँ और वी कैन गिव द प्रॉपर्टी टू अवर होल टेबल। जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर रेड सेट कर दिया है टेबल का, तो पूरी टेबल रेड में आ रही है। इफ यू वॉन्ट टू गिव कलर टू योर दिस रो, तो आप क्या करोगे, बैकग्राउंड कलर उस रो को दे दिया आपने एंड यू विल सी द सेट। ओके, सो ये सारे आपको प्रॉपर्टी सेट कर करके यू कैन सी एंड यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ ऑल दीज प्रॉपर्टी ऑन योर टेबल। सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग। आपको सारे प्रॉपर्टी, इधर मैं पूरे प्रॉपर्टी एक साथ नहीं बता सकती हूँ, जितने भी प्रॉपर्टी हमने थ्योरी में डिस्कस किए उन सबको एक एक एलिमेंट पे लगा के देखिए और उसका इफेक्ट देखिए। थैंक यू।